सोलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला सोलन कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने हथारस की घटना पर भाजपा को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटी कंगना रनौत को लेकर महिला मोर्चा द्वारा देश व प्रदेश में उग्र आंदोलन तो किए गए और अभियान भी चलाए गए, लेकिन यूपी में इंसानियत को हिला देने वाली घटना घटी है। इस पर महिला मोर्चा बेहद खामोश बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुड़िया की भी दरिंदों ने इसी तरह घटना को अंजाम दिया था, जिसमें महिला मोर्चा ने भी उग्र प्रदर्शन किया था। स्मृति ईरानी ने देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भी भेंट की थी, लेकिन आज ये सब खामोश क्यों है और क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस सोलन जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने हिमाचल महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेशमधर सूद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्भय और गुड़िया कांड पर महिला मोर्चा ने प्रदेश में उग्र आंदोलन तो किए, लेकिन अब वे चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को लेकर महिला मोर्चा ने प्रदेश में कई अभियान चलाए, लेकिन आज देश की मासूम बच्ची के साथ न केवल जघन्य अपराध हुआ है बल्कि हत्या भी की गई है। यही नहीं, उसका शव भी परिजनों को नहीं दिया गया। ऐसे वक्त में हिमाचल महिला मोर्चा खामोश क्यों है? उन्होंने कहा कि वे त्वरित कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर अभियान क्यों नहीं चला रही हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा मौका परस्त है और सुविधाजनक राजनीति करती है, सत्ता में आकर सब वायदे भूल जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू धर्म का ठेकेदार अपने आप को समझती है, लेकिन यूपी में बिना परिजनों के रात में दलित युवती का शव को जला दिया जाता है, जो कि एक शर्मसार विषय है। मेरा निवेदन भी रहेगा अपने भाजपाई भाइयों से और खासकर उस भाजपा नेत्री से जो कंगना जी के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चला रही थी, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी किसानों के हित में कुछ चलाइए ऐसा हस्ताक्षर अभियान। और एक वो बेटी, वो दलित की बेटी जिसके साथ रेप हुआ और 18 दिन बाद योगी जी को जब मोदी जी का फोन आया तब कार्रवाई हुई, तब तक वो इस दुनिया से चली गई। उसके शव को भी उसके परिवार को नहीं दिया गया, उसका अंतिम संस्कार उनके अब्सेंस में रातों रात कर दिया गया। हिंदू धर्म के ठेकेदार, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू धर्म में रात को संस्कार की व्यवस्था है? अपने हित के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस राष्ट्र को समाप्त करने के लिए तैयार है। आज निजी क्षेत्रों को बड़ी बड़ी योजनाएं देने की तैयारी की जा रही है,